और सोनीपत के खरखौदा से गायब जब्त अवैध शराब मामले में 3 सदस्य एसआईटी 31 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि एसआईटी सभी L1, L13 और पुलिस थानों के माल खानों की भी जांच करेगी। इसके अलावा अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक पुलिस की तरफ से पकड़ी गई अवैध शराब के आंकड़ों की भी जांच की जाएगी। साथ ही ये भी जांच की जाएगी कि एक्साइज विभाग ने जो अवैध शराब पकड़े जाने के कितने मामलों में कितना जुर्माना लगाया। 3 सदस्यीय एसआईटी में सीनियर आईएएस टीसी गुप्ता, पुलिस के एडीजीपी सुभाष यादव और अतिरिक्त एक्साइज आयुक्त विजय सिंह शामिल हैं। उधर हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में अवैध शराब जमकर बेची गई और इसलिए शराब के ठेकों के बाहर दूसरे राज्यों की तरह ही लंबी कतारें नहीं लगी। बात करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजन शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजन, दो महत्वपूर्ण बातें, एक तरफ एसआईटी का गठन हो चुका है, 31 मई तक रिपोर्ट सौंपी जानी है, क्या तैयारियां हैं, और दूसरी बात विपक्ष के निशाने पर भी ये फैसला है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको एसआईटी का बता दें कि एसआईटी का गठन हो चुका है। टीसी गुप्ता हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, वो इस एसआईटी को लीड करेंगे और इनके अलावा एडीजीपी सुभाष यादव हैं वो इसके अंदर रहेंगे पुलिस विभाग की तरफ से। जबकि अगर एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां से अतिरिक्त आयुक्त हैं विजय सिंह, ये तीन लोगों की एसआईटी है। पूरे हरियाणा के अंदर L1 और L3 इनके अंदर क्या स्टॉक था और कितना डिफरेंस जो है, कितना वेरिएशन इन सब के अंदर आया है, इन सभी की जांच जो है लॉकडाउन पीरियड में जो है वेरिएशन आया है उसकी जांच ये एसआईटी करेगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि विपक्ष ये कह रहा है कि अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो ये कह रहे हैं कि एसआईटी एक बार काम कर ले, उसके बाद बता पाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से सरकार चल रही है और क्या कुछ इसके अंदर सफलताएं मिल पाई है। अभी अगर कुछ भी कहेंगे तो वो बचकानी बात होगी, लेकिन इतना जरूर कहा उन्होंने कि देखिए एक एसएचओ स्तर तक का ये मामला लगता नहीं है, लगता है कि जड़ें बहुत गहरी हैं इस मामले की। राजन शर्मा हमारे संवाददाता जो कि बता रहे हैं कि अभी जो स्थिति है वो कुछ इस तरह से है कि अभी इसमें जो एसआईटी अपना काम करेगी, रिपोर्ट आएंगी, उसके बाद काफी बातें स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि 31 मई तक ये रिपोर्ट सौंपी जानी है जो 3 सदस्य ये टीम बनाई गई है गृहमंत्री द्वारा। गृहमंत्री अनिल विज ने इस टीम को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि आप इस पर जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करें और लगभग सभी जगह जांच की जाएगी, क्योंकि ये जो एक 3 सदस्य एसआईटी गठित की गई है इसमें पुलिस थानों के मालखानों की भी जांच की जाएगी।